हेलो दोस्तों, आइए आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट फ्रूट केक। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माधवीज किचन में। फ्रूट केक किसे पसंद नहीं, सिंपल एंड द बेस्ट, बच्चों का भी फेवरेट और बड़े भी इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बनाने में भी बिल्कुल आसान और चीज़ें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इसके लिए। घर में जो भी चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको ही यूज़ करके ये केक बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना ये सुपर सॉफ्ट सिंपल स्पंजी एगलेस फ्रूट केक। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। एक चम्मच ऑयल डालकर इस तरह से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मैंने 6 इंच डायमीटर का केक टिन यूज़ किया है। ये देखिए केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और मैदे को केक टिन में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि केक टिन में एक लेयर मैदा की आ जाए। इससे क्या होगा, जो केक टिन है उसमें हमारा जो केक है वो चिपकेगा नहीं और इसमें बटर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप बटर पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी आप मैदा की जगह लगा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो केक टिन है वो रेडी हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे 1/2 कप के करीब टूटी फ्रूटी और इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और मैदे को अच्छे से टूटी फ्रूटी में मिक्स कर लेंगे। इसे हम साइड में रखेंगे, इसको हम केक के बैटर में बाद में मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। पैन में हम इस तरह का एक स्टैंड रख देंगे। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास तो आप इसमें कोई छोटी सी प्लेट रख सकते हैं और इसे ढककर हम करीब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। आइए अब हम बनाएंगे अपने केक का बैटर। इसके लिए मैंने यहाँ 1/2 कप ऑयल लिया है। ये रिफाइंड ऑयल है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है। आप चाहे तो इसकी जगह बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने लिया है यहाँ पर 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। ये जो रेगुलर चीनी घर पे हम यूज़ करते हैं उसे ही मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसे जितना हो सके अच्छी तरह मिक्स करना है इस स्टेज पर। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे केक हमारा उतना ही फ्लफी बनेगा, उतना ही स्पंजी बनेगा। तो ये देखिए एकदम क्रीमी हो गया है ये मिक्सचर। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध। अगर आप इसमें एग यूज़ करना चाहें तो इस स्टेज पर आप एग यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से ऑयल और शुगर के साथ इस तरह से विस्क कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दूध यूज़ किया है तो दूध को अच्छे से शुगर और ऑयल के मिक्सचर में इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो शुगर है वो मिल्क में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। ये मिल्क जो मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस जिससे केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप और 1/2 कप मैदा। आप चाहें तो यहाँ आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होता है, जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो मैदा के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और उससे जो हमारा केक है वो बहुत ही स्पंजी बनता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें उसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें धीरे धीरे मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, जो हमारा बैटर है वो स्मूथ बनेगा और इसमें लंप नहीं होंगे और साथ ही ये बैटर काफ़ी एयरी भी बनेगा। काफ़ी इसे धीरे धीरे हमें मिक्स करना है। बैटर हमारा थिक है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने और 1/2 कप मिल्क लिया है और थोड़ा थोड़ा मिल्क हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें बैटर को ज़्यादा स्पीड में मिक्स नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो भी एयर इनकॉर्पोरेटेड है हमारे बैटर में वो सारा निकल जाएगा और हमारा केक जो है फूलेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा, मैंने 1/2 कप दूध लिया था उसमें 1/4 कप दूध बच गया है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और इसे भी केक के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस की जगह आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है।
अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे टूटी फ्रूटी जो हमने मैदा में मिक्स करके रखी थी, तो टूटी फ्रूटी हम इसमें डाल देंगे और कुछ टूटी फ्रूटी हम बचा कर रख लेंगे केक के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। और टूटी फ्रूटी को भी हम इस तरह से जो केक का बैटर है उसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस बैटर में आप ड्राई फ्रूट को चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी केक बहुत ही टेस्टी बनता है। टूटी फ्रूटी को मैदा में मिक्स करने से क्या होगा, जो हमारी टूटी फ्रूटी है केक के नीचे बैठेगी नहीं। तो ये देखिए हमारा केक का बैटर रेडी है। तो अब हम केक के बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। ये देखिए परफेक्ट बैटर है, एकदम रिबन वाली कंसिस्टेंसी है बैटर की। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए केक के बैटर की, इससे जो हमारा केक है अच्छी तरह से पकेगा। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि केक बीच में कच्चा रह जाता है, तो पर कंसिस्टेंसी अगर परफेक्ट होगी तो केक भी परफेक्ट बनेगा। केक टिन को हम 3-4 बार टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स कोई है अगर बैटर में तो निकल जाए। जो टूटी फ्रूटी हमने बचा कर रखी थी उसे इस केक के बैटर के ऊपर हम डाल देंगे। तो ये रेडी है हमारा केक का बैटर बेक होने के लिए। हमारा पैन भी प्रीहीट हो चुका है, अब बैटर को हम पैन में रख देंगे इस तरह से और इसे ढक देंगे। अब हम इसे बेक होने देंगे करीब 35 मिनट के लिए। फ्लेम हम रखेंगे स्लो से मीडियम के बीच में। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे आप 180 डिग्री पर बेक कर सकते हैं 40 मिनट के लिए। ये देखिए 35 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम केक को चेक कर लेते हैं एक बार नाइफ से। केक तो अच्छे से फूला है, नाइफ से एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए नाइफ में पूरा बैटर लगा हुआ है, इसका मतलब केक अंदर अभी पका नहीं है ठीक से। तो इसे 10 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम पर हम बेक करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, केक को एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए इस बार नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है अंदर तक। केक हमारा रेडी है। केक को पकने में टोटल मुझे 45 मिनट लगे हैं। तो अब हम केक को ठंडा होने देंगे। ये देखिए केक हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम केक को डीमोल्ड करेंगे। जब केक पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप केक को डीमोल्ड करें, नहीं तो केक हमारा टूटने लगेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि केक उनका टूट जाता है निकालते समय, तो उसके लिए केक को हमेशा ठंडा होने पर ही निकालें और केक को ठंडा होने के समय ढक कर रखें, इससे हमारा जो केक है वो मॉइस्ट बना रहेगा। तो ये देखिए अब हम केक को नाइफ से लूज़ कर लेंगे चारों तरफ से और उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी केक बना है हमारा, ये देखिए। और केक की हाइट भी काफ़ी अच्छी आई है, बिल्कुल बेकरी के जैसा फ्रूट केक लग रहा है देखने में। आइए अब हम इसे कट करते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक है और इसके ऊपर का लेयर भी हार्ड नहीं हुआ है। बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि उनका जो केक है उसका ऊपर का लेयर हार्ड हो जाता है, तो इसके लिए जब भी केक को आप ठंडा होने के लिए रखें उसे ढक कर रखें, इससे जो केक है उसका ऊपर का लेयर हार्ड भी नहीं होता है और वो स्पंजी भी बना रहता है। ये देखिए केक के अंदर का टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी टेक्स्चर बना है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पंजी केक बना है हमारा, बिल्कुल सॉफ्ट है रुई की तरह, ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट और स्पंजी है। एकदम बेकरी से जैसा फ्रूट केक लाते हैं बिल्कुल वैसा ही फ्रूट केक बना है। तो देखा ना बहुत ही आसानी से हम ये फ्रूट केक घर पे बना सकते हैं, एकदम सिंपल सी रेसिपी है बिल्कुल सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। इसे आप किसी ओकेजन पर बनाएं या ऐसे ही घर पर बनाकर, बहुत ही टेस्टी लगता है ये केक। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए। दोस्तों देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही आसान सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।